तीसरा मुख्य बिंदु है व्यक्तिगत बंधन पर्सनल कॉन्टेक्ट अंतिम व्यक्तिगत अनुबंध माना जाता है क्योंकि अग्नि बीमा दो पक्षों के बीच इसमें बीमाकर्ता और बीमादार ये मुख्य होते हैं। इन दो पक्षों के बीच ही यह बीमा होता है। चौथा मुख्य बिंदु है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का आशय यह है कि बीमित संपत्ति को बीमित अवधि में बीमित कारणों से यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो बीमा कंपनी उस क्षति की पूर्ति करती है। लेकिन किसी भी स्थिति में बीमाकर्ता या बीमा कंपनी बीमित अंश से अधिक धनराशि की क्षतिपूर्ति नहीं करेगी और क्षतिपूर्ति करने के पूर्व विशेषज्ञों के द्वारा नियमानुसार क्षति का आकलन भी कराया जाता है और वास्तविक क्षति की पूर्ति भी की जाती है। पांचवा बिंदु है प्रतिस्थापन या प्रत्यायन का सिद्धांत। प्रत्यायन या प्रतिस्थापन या डॉक्टरिंग ऑफ सबरोगेशन, इसका आशय यह है कि जब बीमा कंपनी बीमादार को क्षतिपूर्ति कर देती है, क्षतिपूर्ति करने के पश्चात यह सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि क्षतिपूर्ति करने के पश्चात यदि बीमाकर्ता को यह पता चले कि किसी तृतीय पक्ष के कारण क्षति हुई, तो ऐसी स्थिति में उस तृतीय पक्ष से मूल धनराशि की वसूली बीमा कंपनी कर सकती है जो धनराशि बीमा कंपनी ने या बीमाकर्ता ने बीमादार को भुगतान किया। इसका आशय यह हुआ कि क्षतिपूर्ति करने के पश्चात बीमा कंपनी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है बीमादार की ओर से यदि किसी तीसरे पक्ष के कारण ऐसी हानि उपस्थित हुई है तो उस हानि की पूर्ति वह तीसरे पक्ष से कराने, मतलब बीमादार के जो अधिकार होते हैं वे अधिकार बीमाकर्ता के पक्ष में अंतरित हो जाते हैं या हस्तांतरित हो जाते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं प्रतिस्थापन या प्रत्यायन का सिद्धांत। आप सब छठवां मुख्य लक्षण के विशेष लक्षणों के अंतर्गत आसन्न या निकटतम कारण ये अग्नि बीमा अनुबंध जैसा कि आप सभी जानते हैं दो पक्षों के बीच होने वाला अनुबंध है। इस अनुबंध के अंतर्गत अग्नि से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनियां बीमादार को करती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अग्नि की आसन्न कारण होना चाहिए, मतलब प्रॉक्सी में कॉज फायर होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, तो अग्नि एक मुख्य कारण हो और अग्नि से लपटे निकले हो और यह अग्नि अचानक लगी होनी चाहिए। जैसे भोजन बनाते समय यदि अग्नि अपनी उचित सीमा में है और अग्नि के उचित सीमा में रहते हुए यदि किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो बीमा कंपनी ऐसी क्षति की पूर्ति नहीं करती।
लेकिन अग्नि एक असंख्य कारण है, अग्नि किसी देवी संपत्ति में लगी हुई है और उस अग्नि को बुझाने के लिए जो आवश्यक प्रयत्न किए जा रहे हैं, फायर के लिए भूटान के लिए फायर के लिए की गाड़ियाँ पहुँच गई थी और अग्नि को बुझाने के लिए आसपास के मकानों में लोट तोड़ दी जाती है या पानी डालते समय आसपास के मकानों की संपत्ति में कोई नुकसान होता है, तो इन सब का आसन्न कारण अग्नि ही माना जाएगा और बीमा कंपनियां ऐसी क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होती है। आसन्न कारण तो अग्नि की मुख्य कारण है और अग्नि के अंतर्गत आपकी लपटें निकली हो और वह अग्नि जिसके कारण हानि हुई है वह अचानक या संयोग बस लगी अंतिम सिद्धांत है अंशदान का सिद्धांत। अंशदान का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा अलग अलग कंपनियों से कराता है या अलग अलग बीमाकर्ता किसी एक संपत्ति के संबंध में होते हैं, अर्थात व्यक्ति के द्वारा टुकड़ा बीमा या एक से अधिक कंपनियों से बीमा एक ही संपत्ति का कराया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने मकान का अग्नि बीमा एक कंपनी से 20,000 रुपये का कराया और बी कंपनी से भी इसने अग्नि बीमा 20,000 रुपये का कराया। बीमित अवधि में अग्नि से उस व्यक्ति की संपत्ति को 10,000 रुपये की हानि हुई। तो दो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा संबंधित बीमित व्यक्ति को 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, मतलब ये कंपनी क्षति को आनुपातिक रूप से मान लेंगे और अंश नाम के सिद्धांत के आधार पर बीमेदार बीमादार को क्षति की पूर्ति की है। इस प्रकार से अग्नि बीमा अनुबंध में एक वैध अनुबंध के आवश्यक 5 लक्षणों का होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आपको जो बताया गया विशेष लक्षणों का होना भी अनिवार्य है। उन विशेष लक्षणों में बीमा योग्य परमेश्वर विश्वास का सिद्धांत, व्यक्तिगत अनुबंध प्रत्याशन का सिद्धांत, असंभव कारण और अंशदान का सिद्धांत एवं सभी व्यक्ति का सिद्धांत। यदि आपको किसी बिंदु पर समझ में आया हो तो आप संकोच अपनी संभाव का समाधान